Good morning all, welcome to Learners Academy. So this is part 2 of exercise number 5.1, which is based on continuity of functions at different points in its domain, wherever it is defined. So question number 4, discuss karte hain. 1, 2, 3 mein apan ne continuity ki basic approach dekh li, kaise apan continuity of functions ko approach karte hain. Kaise karte hain? कि लिमिटेड वैल्यू या यूं कहूं अप्रोचेबल वैल्यू और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू अगर सेम हो जाती है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है. बेसिक डेफिनेशन है कि ग्राफ बनाते टाइम आपका पैन नहीं उठना चाहिए. तो चेक कैसे करते हैं उसके लिए लिमिट्स एंड फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. अच्छा, एक और चीज, जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं है वहां पे कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी, ठीक है. इस चीज को मैंने कल वीडियो में भी डिस्कस किया. जब फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो कंटिन्यूटी चेंज, सपोज करो ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां पे ब्रेक हो गया और फिर यहां से निकला कहीं, लेकिन फंक्शन में क्लियर कट गिवन है कि फंक्शन इस डोमेन में डिफाइन है, मतलब एक्स की वैल्यू यहां से यहां और इस डोमेन में डिफाइन है एक्स की वैल्यू यहां से यहां. तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर पेन तो उठ गया ना, पेन तो उठ गया बट एक्स की ये वैल्यू लेनी ही नहीं है ना. तो केस बन रहे हैं दो, एक केस ये बन रहा है, एक केस बन रहा है. इस केस के अंदर पेन उठ रहा है नहीं उठ रहा है, उस केस के अंदर पेन उठ रहा है कि नहीं. हाँ, एक्स अगर पूरा यहां से लेके यहां तक डिफाइन होता, डोमेन अगर पूरी यहां से आती थी और उसमें पेन उठ रहा होता तो तुम्हें कहता डिसकंटिन्यूअस. तो ऐसे फंक्शंस को आपको डिसकंटिन्यूअस नहीं मानना है. फंक्शन डिफाइंड ही नहीं, आपको कंटिन्यूअस मानना है. आपके लिखोगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जो भी उसकी डोमेन डिफाइंड है उसमें तो वो कंटिन्यूअस, और जो उसकी डोमेन ही नहीं है उसमें डिस्कशन करना ही मतलब बेकार है, एक तरीके से नॉट वैलिड. उसमें डिस्कशन करी क्यों रहे हो जब वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है उस इंटरवल में, ठीक है, क्लियर है. तो ये इस तरीके का डाउट आपका यहां क्रिएट हो सकता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, नहीं इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे वो डिफाइन नहीं है. क्या हो रहा है, x इक्वल टू 5 पे वो डिफाइन नहीं है. x इक्वल टू 5 पे डिफाइन नहीं है तो ऑब्वियसली 5 पे कोई वैल्यू नहीं देगा फंक्शन, और वैल्यू नहीं देगा तो 5 से नजदीक पे के नंबर्स पे वैल्यू है, 5 के राइट साइड पे वैल्यू है. तो आपको डाउट क्रिएट हो सकता है सर पेन उठ गया, मेरा पेन तो उठ गया लेकिन उस 5 पे तो वो डिफाइन नहीं था ना. तो आपको दो डोमेन पे डिस्कशन करना है, एग्जामिनेशन जो करना है वो दो डोमेन पे करना है. इस पर्टिकुलर डोमेन पे नहीं उठ रहा है, इस पर्टिकुलर डोमेन पे नहीं उठ रहा, उसके ओवरऑल डोमेन पे नहीं उठ रहा, ठीक है, ओके. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे हम. प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर. n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस नेचुरल नंबर है. n मतलब नेचुरल नंबर, जहां भी n आ जाए करीब ऐसे ही होता है. तो आपको क्या करनी है, x की वैल्यू n पर चेक करना है कि ये कंटीन्यूअस है या नहीं. बड़ा आसान क्वेश्चन है. तो बच्चों वाला देखो, बराबर फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x टू द पावर n, और आपको कंटिन्यूटी का चेक करनी है एट x इक्वल्स टू n. क्या करते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन एवरीवेयर फंक्शन की डेफिनेशन यही है. ऐसा नहीं कह रहा कि n माइनस 1 हो जाए तो ये कर देना, n माइनस 2 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा. कई क्वेश्चन में कहेगा भी सही से, बट अभी नहीं कह रहा. तो फंक्शन की डेफिनेशन एवरीवेयर अगर सेम है तो आई विल राइट इट एज कि लिमिटेबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंड्स टुवर्ड्स n, ये निकालेंगे हम, है ना. तो फंक्शन की वैल्यू है x टू द पावर n, तो लिमिटेबल वैल्यू ऑफ x tending towards n, और fx की जगह क्या पुट अप कर देंगे हम, x to the power n. अब आप इसमें इस स्टेज पर आकर इतना करने के बाद आप ये वैल्यू x की जगह पुट कर सकते हो अगर ये चीज डिफाइंड है तो, अगर ये चीज वैलिड है तो. नॉट वैलिड नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली n की पावर n तो वैलिड चीज है ना, है ही सही. तो n टू द पावर n, उससे आगे सॉल्व होगा भी नहीं, राइट. और फंक्शन की वैल्यू एट n, f of n x की जगह n पुट अप करोगे वही आएगी. तो हेयर अब इसमें भी लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट अलग निकालने की जरूरत नहीं थी, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये तो हम पहले से शॉर्ट. हाँ, अब फिर नीचे क्वेश्चन जब फंक्शन डेफिनेशन चेंज होगी तब निकालनी पड़ेगी. हाँ, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन टू द पावर एन, राइट, क्लियर है. सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वेरी इजी एट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है बेटा. अब बेटा आप वीडियो से नोट करना, हम थोड़ा सा क्विक चलेंगे. आज का हमारा टारगेट है करीब 8-10 क्वेश्चंस कवर करना, एंड सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस मैं स्किप भी कराने वाला हूं, ओके, बिकॉज भारी भरकम सा कोर्स है, उसको कवर करना है हमको, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन करने का काम आप अपने पर रखें ये, ओके. इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस, अब क्लियर कट पता चल रहा है कि वन पे डेफिनेशन चेंज हो रही है.
और आपको चेक करना है तीन पॉइंट्स पे, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एट एक्स इक्वल्स टू वन, एट एक्स इक्वल्स टू टू, राइट। तो आपको तीन पॉइंट्स पे चेक करना है। मुझे भी पता है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो वो कंटिन्यूअस होगा, वन पे वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे एग्जामिन करना है, और टू पे भी वो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम है। देखो एक चीज याद रखो, एक चीज हमेशा के लिए याद रखना, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस अनटिल एंड अनलेस उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, है तो हालांकि आइडेंटिटी फंक्शन है, बट आइडेंटिटी इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। फिर एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, तो अगेन वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, तो अब फंक्शन की डेफिनेशन लेकिन वन पे चेंज हो रही है, होइए केवल वन पे ही डाउट क्रिएट होगा, वन से लेफ्ट पे, वन पे राइट पे, तो 100% वो कंटिन्यूस होगा। बात करता हूं मैं इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तो देखो एफ एक्स है वन और वन से नेगेटिव पे, तो फंक्शन एक्स है, एक्स मतलब जो डाला वही निकला, आइडेंटिटी फंक्शन, वन डाला वन निकला, टू निकला डाला टू निकला, सेवन डाला सेवन निकला। ऐसा कब कब है? ऐसा केवल और केवल वन और वन से छोटे नंबर पे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन तो बनती है, बट एक 45 डिग्री पे काटती हुई स्ट्रेट लाइन बनती है लाइक दिस, जिसकी स्लोप 45 डिग्री होती है, टेन 45 वन होता है जिसका स्लोप, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसी लाइन बनती है, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं बनेगी, ये केवल कहां तक बनेगी? वन तक बनेगी। तो ये वन तक तो बन रही है, और वन के बाद फिर वो इधर तो इन्फिनिटी जा रही है वन से छोटे में, और वन तक तो वो बन रही है, और उसके बाद फिर वो वन के बाद वो नंबर फाइव पे पहुंच गया, पता नहीं कहां से लूप खा के, और लूप खा के फाइव पे पहुंचा यहां पे, और यहां से फिर वो कांस्टेंट फंक्शन की तरह चल रहा है। फाइव फाइव ही आंसर, हाँ फाइव इसमें इंक्लूडेड है, उसमें नहीं है, चेक करो। देखो x की वैल्यू वन पे x है आंसर, ना कि फाइव। x की वैल्यू वन पे x है, यानी x की वैल्यू वन पे वन है, यानी x की वैल्यू वन पे वो आइडेंटिटी फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी वो वैल्यू आइडेंटिटी में शामिल है, ना कि उस कॉन्स्टेंट में शामिल है। इज दिस क्लियर? तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। बच्चा भी बता दे सर x इक्वल्स टू वन पे पेन उठा है। अब आप चेक करो x इक्वल्स टू जीरो पे पेन उठा था क्या? जब आप जीरो से क्रॉस कर रहे थे तो पेन उठाने की जरूरत पड़ी थी क्या? जब आप टू पे चल रहे थे तभी भी आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी थी क्या? कहां पेन उठाने की जरूरत पड़ी? यहां से यहां। तो x इक्वल्स टू वन पे वो डिसकंटिन्यूअस है, ये बच्चा भी बता दे, लेकिन हमको प्रूव ऐसे नहीं करना। या आप अपने तसल्ली के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हो करने के बाद कि अच्छा ग्राफ बना के देख लेता हूं कि ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आपको करना क्या है वो लिमिट्स लेकर आपको सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू टू पे तो हमको c नाम का रियल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो जीरो पे अपने को चेक करना। नहीं, इसमें क्यों लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें नहीं लेना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि डोमेन पूरी नहीं है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट है मेरे पास, तो इसमें नहीं लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू टू पे आपको LHL RHL अलग अलग नहीं रहनी पड़ेगी, एक ही लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जीरो के जस्ट लेफ्ट में और जीरो के जस्ट राइट में फंक्शनिंग डेफिनेशन सेम है ना। टू के भी जस्ट लेफ्ट में और टू के भी जस्ट राइट में फंक्शनिंग डेफिनेशन सेम है, चेक करो। अगर यकीन नहीं आता तो ये ग्राफ में देखो, देखो जीरो के जस्ट लेफ्ट में भी आइडेंटिटी फंक्शन है, जीरो के जस्ट राइट में भी आइडेंटिटी फंक्शन है, टू के जस्ट लेफ्ट में भी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, टू के जस्ट राइट में भी ये कॉन्स्टेंट है, तो डेफिनेशन चेंज नहीं हुई। तो आपको इसको LHL RHL अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे लिखेंगे इसको? पहले तो अपन फंक्शन लिख देंगे, राइट। फंक्शन लिखने के बाद अपन लिखेंगे नाउ वी आर एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो, तो अपन सीधे लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। अपन LHL RHL अलग अलग नहीं निकालेंगे, बिकॉज राइट साइड एंड लेफ्ट साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन सेम ही है। समझ आ रहा है खुशी? ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है। अच्छा, अब जीरो पे x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन कैसे ट्रीट हो रहा है? x इक्वल्स टू जीरो पे देखो वन से लेफ्ट में वो x की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ क्या fx की जगह क्या लिखूंगा, कौन सी डेफिनेशन लिखूंगा, x वाली डेफिनेशन लिखूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन वाली, और x की जगह जीरो पुट अप किया जा सकता है, ठीक है ना, फाइन। और f ऑफ जीरो निकालूंगा मैं, तो क्या आएगा, x की जगह जीरो पुट अप करके वो भी जीरो आएगा। तो हियर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, the function is continuous at x equals to zero. तो ये continuous हो गया। टू की बात कर रहा हूं, इसी में changes कर लेते हैं। देखो टू की बात करूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा at x equals to two, heading तो ही डालोगे ना, at x equals to two, ये टू हो जाएगा extending towards two,
ये टू हो जाएगा, ठीक है। अब दो पे एक्स इक्वल्स टू टू पे फंक्शन की डेफिनेशन है भाई, एक से बड़े नंबर पे फाइव है ना डेफिनेशन, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह क्या लगाऊंगा, फाइव। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, चलो मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। एट एक्स इक्वल्स टू टू पे हम चेक कर रहे हैं एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स टू, एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स टू, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, फाइव। तो यहाँ पे मैं आंसर में जीरो लिखूं, टू लिखूं या फाइव लिखूं, बोलो खुशी। यहाँ पे मैं आंसर में टू लिखूं या फाइव लिखूं, फाइव। बिकॉज ये क्या कह रहा है कि एक्स जब दो की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू फाइव है। तो आपको ये तो पता लगाना है कि एक्स जब दो की तरफ बढ़ रहा है तो फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, फंक्शन फाइव की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, मोर ओवर मैं कहूं कि सर ये टू पुटअप करते थे ना हम, बिल्कुल करते थे, लेकिन टू कब पुटअप करते थे, जब यहाँ पे एक्स, अब ये जो चीज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ये कॉन्स्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, आजाद है, तो आजाद है तो भैया जो है वही लिख दो, फाइव, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ टू भी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो फाइव फाइव बराबर हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू टू पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, हाँ ये, ठीक है, क्लियर है, ये चेंजेस हो जाएंगे। अब बात आती है सर इस पे चेक करके बताओ, और इस पे जो है डाउट है मुझे, इस पे मुझे डाउट है, तो डाउट है तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द अप्रोच ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन द फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है साहब। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये पहली बार हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, नहीं वैसे एक बार कल करवा दिया उस वीडियो में आपने देखा नहीं, तो प्रैक्टिकली पहली बार चल रहा है हमारे सामने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL क्या फंक्शन की वैल्यू, तो बात अलग है ना, पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, फंक्शन की वैल्यू लिमिट के बराबर होती है, होनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो कैसे पता लगाते हैं, LHL और RHL से, वो इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फिर तीसरी बात है फंक्शन की वैल्यू, तो समझ आया ना, यहां से जा रहा हूं सेम जगह जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, पहले तो वो बताओ। हाँ ठीक है सर, सेम जगह जा रहे हो, फिर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सेम जगह जा तो रहे हो लेकिन पहुंच भी पाए कि नहीं पहुंचा, ऐसा तो नहीं है कि सेम जगह तो जा रहा था लेकिन पहुंच वहां क्या, समझ रहे हो बात को, मुझे एक चीज बताओ, आपने फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, फिर आपने LHL निकाला, फिर आपने RHL निकाला, फिर आपने तीनों को मैच किया, ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता कौन कैसे कराता है, आप खुद कॉमन सेंस से सोचो। सपोज करो मैंने पहले LHL निकाला, सेकंड मैंने RHL निकाला, और वो दोनों इक्वल नहीं आए, तो क्या फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या, तो फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल रहे हैं तो हम एक काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, अब आप LHL निकालोगे, लेट अस सपोज LHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से सेम नहीं आई, तो क्या आप RHL छोड़ दोगे, कि RHL तो निकालना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो ना लिख दोगे कि फंक्शन की वैल्यू LHL के इक्वल नहीं आई इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे तो लिखोगे नहीं। तो इससे अच्छा है हम पहले LHL RHL ये निकालें, अगर इक्वल हो जाए तब फंक्शन की वैल्यू निकालें, इक्वल ही नहीं हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करके खत्म करो, अप्रोच ही दोनों साइड अलग जा रही है तो फंक्शन कहां पहुंचेगा वो सोचना ही नहीं है ना, ठीक है, क्लियर है। तो LHL एट x इक्वल्स टू 1 निकालते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, राइट। अब देखो, अब LHL RHL में हम क्या मान लेते हैं, यहां पे हम h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ले लेते हैं, भाई 0 के नजदीक यानी बहुत ही छोटा सा एक नंबर है, उस 1 के लेफ्ट में जाना है, तो 1 के लेफ्ट में कैसे जाओगे, 1 के लेफ्ट में ऐसे जाएंगे कि 1 में से एक नेग्लिजिबल नंबर माइनस करेंगे, तो वो नेग्लिजिबल नंबर है h, वो नेग्लिजिबल नंबर है h, तो क्या लिख दूंगा, f ऑफ 1 माइनस h। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन चेक करो, फंक्शन की, अब अपन काउ में, मैं अभी इस समय काउ 1 के स्लाइटली लेफ्ट में, तो 1 के स्लाइटली लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x, यानी कि मेरा ऊपर लिख देता हूं fx है x, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, 1 माइनस h, बोलो। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की जगह मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, 1 माइनस h। अब आप यहां पे h के वैल्यू 0 पुट अप करो, 1 माइनस 0 दैट इज 1, चलते हैं RHL, ठीक है, समझ आया। देखो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा सब में, लेकिन काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है कि LHL और RHL इक्वल नहीं आएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, अब आपको क्या करना है, 1 के स्लाइटली राइट में चेक करना है, तो स्लाइटली राइट में मतलब 1 में वो नेग्लिजिबल नंबर ऐड करना है,
और एच क्या है, जीरो के टेंड कर रहा है, मतलब जीरो से पास का एक नंबर है। तो अब उसके राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू फाइव है, तो मैं क्या लिख दूंगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये फंक्शन वन प्लस एच की जगह फाइव। अब एच इंडिपेंडेंट ऑफ एच मिला है मुझे, इंडिपेंडेंट ऑफ एच मिला है तो फाइव, ये लो। अब मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत है क्या? तो अगर हम पहले निकालते तो एक्स्ट्रा फालतू नहीं निकालते, भले 10 सेकंड ही वेस्ट हो रहे हो, लेकिन वेस्टेज तो वेस्टेज ही, 10 सेकंड तो बहुत है आपके बोर्ड के एग्जाम में, 10 सेकंड यकीन मानो बहुत है। आप तरसोगे कि सर 10 सेकंड और दे दो, बच्चे तरसते सर 10 सेकंड और दे दो, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है मैं कर लेने दो। तो वो 10 सेकंड आप इधर वेस्ट कर रहे हो तो आपके वेस्ट कर रहे हो। एंड मोर ओवर चेक यूर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा कि मेरा सही कि उनका सही कि तीसरे का सही, चेक यूर, हमेशा एनसीईआरटी पैटर्न पे चलो, बोर्ड एग्जाम्स की कॉपीज एनसीईआरटी पैटर्न पे चेक होंगी, उन्होंने पहले क्या निकाला, बस ठीक है ना, वहां से श्योर करो। तो है यार देखो, कराते सब सही है, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। LHL at x equals to 1 is not equal to RHL at x equals to 1. So we can say that limit does not exist. So the limit does not exist at x equals to 1. Does not exist at x equal to 1. Hence the function is discontinuous. Since the function is not continuous yet discontinuous. At x equals to 1, fine. ठीक है, क्लियर। तो दो पॉइंट्स पे, तीन पॉइंट्स पे चेक करने के लिए उसने कहा था, जिसमें से दो पॉइंट्स पे तो कंटिन्यूस है और एक पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूस है, जो कि है ये। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब 6th से लेकर 17 तक, शायद 16 तक आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नहीं देखो ये 14 से फिर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यही मानो 12 तक ही मानो। तो 12 तक क्या है कि आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पता करने हैं, ठीक है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो कह देना नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मैंने आपको क्या कहा, आप चेक करो जितने भी फंक्शंस हैं उसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस में तो आपको सीधे सीधे क्या मान लेना है कि कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट डेफिनेशन जहां पे चेंज हो रही है वहां पे चेक करना है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन कौन से रहेंगे, देखो ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें भी अभी आपको लग रहा है ये मॉडुलस है, लेकिन अभी मैं खोल के बताऊंगा तो ये पॉलिनोमियल ही निकलेगा। इन दोनों में कह सकते हो कि रैशनल है, और अभी मैं उसका भी चेक करके बता दूंगा, चलो इन दोनों को साइड में रखते हैं। ये पॉलिनोमियल, 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 तो इन सब में तो ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट द पॉइंट्स वेयर द डेफिनेशन इज चेंजिंग, वो बदल सकते हैं, और 100% बदलेंगे वो भी पता नहीं है, बदल सकते हैं, हो सकता है कि जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही हो वहां पे भी वो कंटिन्यूअस निकल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा सा डिटेल में करके आपको बता देता हूं, बाकी क्वेश्चंस में मैं केवल एट दोस पॉइंट्स ही मैं चेक करके बताने वाला हूं जिसपे चेक मतलब डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है उसी पॉइंट में चेक करके बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन में पूरा पैटर्न से करके बता देता हूँ, आपको एग्जाम में ऑब्वियसली पूरे पैटर्न से करना है, ऐसा नहीं कि सर ने तो केवल उसी पॉइंट पे चेक करवाया था, डिस्कस करना है मतलब सारी चीजें डिस्कस करनी है। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 नोट ऑन करते हैं। बोलो क्या है fx इक्वल टू, पढ़ के बताओ, 2x + 3 4 फंक्शन की डेफिनेशन, पहले तो ये चेक किया करो कि फंक्शन का डोमेन क्या है, सबसे पहले काम ये चेक किया करो, सारे रियल नंबर ठीक है, और सारे रियल नंबर को फिर इन्होंने जो तोड़ा है 2 पे तोड़ा है, तो जब भी एक पॉइंट पे फंक्शन टूटेगा तो 3 डोमेन बनेंगे, 2 पे टूटेगा तो 5 बनेंगे, 3 पे टूटेगा तो 7 बनेंगे, ये कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें कितने डोमेन बनेंगे, 3, पहला बनेगा 2 से छोटे नंबर्स के लिए, 2 से छोटे नंबर्स को हम इंटरवल फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 2 वेयर 2 इज नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन, दूसरे में केवल 2, दूसरा डोमेन केवल 2, यूनियन, तीसरा डोमेन 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, तो 3 डोमेन बन गए हमारे, बोलो 3 डोमेन बन गए। अब आपको इन 3 डोमेन, इसको ले लेते हैं D1 यूनियन, D2 यूनियन, D3, आपको तीनों डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है और पॉइंट्स निकालना है। तो लेट अस से D1 की बात करते हैं, तो डोमेन 1 जो कि है माइनस इन्फिनिटी से 2, इस डोमेन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो है नहीं, और लाखों करोड़ों पॉइंट्स पे हम चेक नहीं कर सकते, तो हम क्या करते थे, एक सी नाम का रियल नंबर मान लेते थे,
तो इस डोमेन से बिलोंग करता हुआ एक सी नाम का रियल नंबर, और सी पे चेक करनी है, बस सी पे पास तो सब पे पास, मॉनिटर पास तो क्लास पास, ओके। तो फॉर एनी सी, अब वो सी कोई भी नंबर है तो मैं लिख दिया एनी, फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू डोमेन वन विच इज माइनस इन्फिनिटी टू टू, यानी फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस डोमेन वी हैव लिमिटेबल वैल्यू वही सेम, और इस पूरी डोमेन में तो फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, देखो इस पूरी डोमेन पर्टिकुलरली इस डोमेन में तो फंक्शन की डेफिनेशन सेम है ना, इस पॉइंट पे तो नहीं ब्रेक हो रही फंक्शन की डेफिनेशन, तो आप LHL RHL इस डोमेन के लिए क्यों निकालेंगे अलग अलग, इस डोमेन के लिए तो आप एक ही लिमिट मानेंगे ना, समझ में आई बात। तो आई विल टेक ओनली लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी ऑफ एफ एक्स, तो दो से छोटे नंबर पे फंक्शन की डेफिनेशन बता दो चेक करके। हाँ बोलो। कैसे देखो उसने क्या कहा है, डिस्कस फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, मैंने क्या कहा कि टू पे डेफिनेशन चेंज हो रही है तो डाउट वहां पे क्रिएट हो रहा है, डाउट वहां पे क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा कोई रूल कहीं भी नहीं दे रखा ना कि जहां पे डेफिनेशन चेंज हो बस आपको वहीं पे चेक करनी है, जब डिस्कस करना, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था, जैसे x माइनस फाइव क्वेश्चन था, अब x माइनस फाइव पे तो फंक्शन की डेफिनेशन मुझे बताओ चेंज, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन बदल ही नहीं रही है, तो फिर क्या इस पे चेक ही नहीं करो, आपके हिसाब से जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक किया जाता है, जब चेंज नहीं हो रही है वहां चेक ही नहीं किया जाता, तो फिर चेक ही मत करो, सीधे लिख दो इट इज कंटिन्यूअस, ले लेगा क्या वो आंसर, नहीं लेगा ना, समझ रहे हो बात को, तो चेक तो करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि बोरिंग सा टास्क है एंड फालतू सा हेक्टिक सा टास्क है, मोर ओवर चेक द एग्जांपल्स, सेम ये पैटर्न है, आप चेक कर लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में चेक कर लो या एनसीईआरटी बुक में चेक कर लो, दूसरी बुक्स की मैं गारंटी नहीं दूंगा, इन दोनों बुक्स में आप चेक कर लो या फिर ऑनलाइन भी एनसीईआरटी एग्जाम सॉल्यूशन हैं एग्जाम्पलर के, उसमें भी चेक कर लो, यही पैटर्न है, ठीक है बेटा। तो इस डोमेन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी ऑफ एफेक्ट, फंक्शन डेफिनेशन बता दो, टू से लेफ्ट में, टू से लेफ्ट में, टू एक्स प्लस थ्री, यस टू एक्स प्लस थ्री, सिंपली मैं x की जगह c पुट अप कर दूंगा, सो इट विल बी 2c प्लस 3, एंड नाउ नाउ फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स, यानी f ऑफ c, f ऑफ c क्या आ रहा है, वही 2c प्लस 3 कंटिन्यूअस है ना, हियर हियर लिमिटेबल वैल्यू ऑफ fx when extending towards c equal to f of c equal to जो भी आ रहा है 2c plus 3, so the given function fx, the given function fx is continuous at all points भाई domain first में सारे points पे continuous है ना, फिर रिस्क लेके कर सकते हो, दे दे तो दे दे मार्क्स, काट ले तो काट भी ले, एट ऑल पॉइंट्स कोशिश तो यही करो पूरा करना है, हाँ एट ऑल पॉइंट्स इन डोमेन वन, डोमेन वन क्या है माइनस इन्फिनिटी टू, ठीक है। अब डोमेन वन की तरह डोमेन थ्री चलेगा तो पहले मैं उसको ले लेता हूँ ना, पहले मैं उसको ले लेता हूँ क्योंकि जो कुछ चेंजेस होगा डोमेन टू में होगा ना, तो अगेन डोमेन थ्री है मेरी क्या टू से लेकर प्लस इंफिनिटी, तो इसमें भी वही फॉर एनी सी बिलोंगिंग टू दिस डोमेन डी थ्री विच इज टू कॉमा इंफिनिटी वी हैव वही लिमिटेबल वैल्यू आ गया, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंड्स टू सी, ठीक है एफ एक्स। अब मुझे बताओ टू के राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन बोलो, माइनस है सॉरी सी, ऊपर क्या थी फिर टू एक्स प्लस थ्री, क्या ऊपर टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो अब की बार टू सी माइनस थ्री, देखो मैं तो खुद ही कह रहा हूं ना कि बोरिंग सा एंड रटा रटा ऐसा टास्क है, बट करना है क्या करें, फॉर्मेलिटी है, ऑल्सो एफ ऑफ सी टू सी माइनस थ्री, ठीक है। हेयर हेयर लिमिटेबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स extends to c equal to f of c to c minus 3, so the given function
is continuous at all points in domain D3, at all points in domain D3, right? D3 क्या है? 2 to infinity. अब एक final domain है ना? Now D2, और D2 क्या है मेरा? Only two. तो इसका मतलब है, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि at x equals to 2 आप चेक कर रहे हो, तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में इसको कन्वर्ट करें तो ये क्वेश्चन ऐसा बन गया कि x equals to 2 पे आप चेक करो. तो अब 2 के लेफ्ट एंड राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन है अलग अलग, तो यू विल क्लियरली राइट LHL. साफ साफ लिख के बताओगे आप कि ये LHL है. LHL एट x equals to 2, ये निकालने का तरीका होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 माइनस ऑफ fx. ठीक है, अब वही कि आप इसको h में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से जस्ट लेफ्ट में, यानी 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह 2 माइनस एच है ना. अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है लेफ्ट में, मैं इधर रफली लिख देता हूं, 2x प्लस 3, तो x की जगह ये पुट अप हो जाए, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 या माइनस 3, ये लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आप बताओ 2 इंटू ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2 इंटू एक्स की जगह रखा आपने 2 माइनस एच और फिर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3, ओके फाइन. तो ठीक है, अब यहाँ पे एच की जगह अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो ये डिफाइंड हो रहा है ना, बस जहां भी डिफाइन हो पुटअप कर सकते हो. तो 2 माइनस 2 इज 0, 0 एंड 2 माइनस 0 सॉरी 2 माइनस 0 इज 2, 2 जा 4 प्लस 3 7. चलते हैं RHL, RHL एट x इक्वल्स टू 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ 2 प्लस h. ठीक है, तो आ जाओ अब इसके राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन बोल दो. 2x माइनस 3 है ना, 2x माइनस 3 है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच माइनस 3. अब वापस अगेन मैं यहां पे इसकी वैल्यू 0 पुट अप कर सकता हूं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो पुट अप कर दिया मैंने, 2 जा 4 माइनस 3 1. तो ये लो, अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 ही तो है, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1. ठीक है, तो है यार LHL एट एक्स इक्वल्स टू 1 था 2 था 2 इज नॉट इक्वल टू RHL at x equals to 2. So the limit does not exist. At x equals to 2. 1 नहीं 2 बेटा. सीन में रहो, सीन से बाहर कैसे जा रहे हो? At x equals to 2. Hence we can say that therefore the function is not continuous. The function is not continuous at x equals to 2. Continuous at x equals to 2. तो अब तीनों डोमेन की बातों को कंबाइन करके एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे. Hence we can conclude that the given function fx is continuous at all points in its domain. उसके डोमेन के सारे पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस है ना, एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू 2. ये कंक्लूजन हो गया फाइनल. उसने कहा था डिस्कस करो, ये डिस्कशन यहां पे ओवर हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या, मीटिंग ओवर. हाँ भैया, आप हर जगह कंटिन्यूस हो एट एक्स इक्वल्स टू 2 के अलावा. ठीक है, इस तरीके से चलेगा डिस्कशन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, केवल और केवल डेफिनेशन चेंज होने वाले पॉइंट्स की बात करेंगे और की बात नहीं करेंगे. ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन बोलो मुझे. अगला क्वेश्चन को थोड़ा मैं शीट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को खोल के दिखाना है आपको. बोलो एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉडुलस है ना, तो देखो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 की तरह खुल रहा है, वो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 की तरह खुल रहा है व्हेन x less than or equal to minus 2 minus 3. और अगली डेफिनेशन
माइनस टू एक्स की तरह खुल रहा है जब एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड एक्स इज लाइक दिस सॉरी लाइक दिस ऐसा है क्या उल्टा कर दिया ग्रेटर देन मतलब ऐसे और इक्वालिटी का साइन कहीं नहीं है और तीसरी डेफिनेशन है 6x प्लस 2 इक्वल टू ये तीन डेफिनेशन है फंक्शन ठीक है तो पहली चुनौती तो है इस डेफिनेशन को थोड़ा इजी बनाना ये मॉडुलस वॉडुलस हटाना क्योंकि मॉडुलस जब तक हटेगा नहीं तब तक क्लैरिटी मिलेगी नहीं अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है आपको कई बार बता चुके हैं फिर से बताते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स की तरह खुल जाता है एज इट इज जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो है ना और ये माइनस एक्स की तरह खुल जाता है जब इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हो ठीक है ऐसा क्यों होता है क्योंकि मॉडुलस को भेज के समझा के भेजा था कि भैया तू एक काम करना अंदर वाली वैल्यू जो भी है ना उसको पॉजिटिव कर देना ये उसने दिमाग में फिट कर ली कि भाई मुझे अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना है अब जैसे ही उसने देखा कि अंदर वाली वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसने ऐसे कैसे निकाल के बाहर फेंक दिया उस मशीन ने ऐसे कैसे निकाल के बाहर फेंक दिया कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लेकिन जैसे उसने देखा यार अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो अब इसको पॉजिटिव करना है तो उसने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई कि अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव और दे देता हूं इसलिए इसने अंदर वाले एक्स को एक माइनस और दे दिया ताकि वो पॉजिटिव बन के बाहर निकले इज दिस क्लियर अब सुनो ऊपर आ जाओ यहां पे है मॉडुलस ऑफ एक्स तो अगेन ये मॉडुलस ऑफ एक्स मैं अज्यूम कर लेता हूं दो तरीके से खुलेगा एक्स की तरह भी खुल सकता है माइनस एक्स की एक्स की तरह कब खुलेगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो और माइनस एक्स की तरफ कब खुलेगा जब एक्स लेस देन जीरो ये इस डेफिनेशन को कब मानता है जब इस इंटरवल में है इस डेफिनेशन को ये फंक्शन कब मानता है जब ये इस इंटरवल में है तो आप खुद सोचो माइनस तीन से छोटे नंबरों में आप इस डेफिनेशन में हो कि इस डेफिनेशन सेकेंड वाले में तो ऑब्वियसली ये x माइनस x की तरह खुल जाएगा तो अगले स्टेप में मैं इसको x को माइनस x लिख दूं ना मॉडुलस वॉडुलस हटा टू के समझ गए तो इस डेफिनेशन को और क्लियर कर देते हैं दिस विल बी इक्वल टू माइनस x प्लस 3 फॉर x लेस देन इक्वल टू 3 बाकियों में कोई चेंज नहीं हाँ माइनस 3 एंड बाकियों में कोई चेंज नहीं माइनस 2x वही सेम x 3 एंड लास्ट में 6x प्लस 2 x is greater than or equal to 3 ठीक है क्लियर ठीक है अब आप ये देखो कि इसमें डोमेन कितनी बनेगी इस पूरी चीज को मैं ब्रेक कर रहा हूं एक नंबर लाइन पे तो कहां कहां फंक्शन चेंज हो रहा है मुझे बताओ माइनस 3 पे यस ये माइनस 3 यहां लगा दूं और 3 पे कहीं भी लगा दो बस इतना याद रखना कि जो कंपेरेबल वैल्यू है लेफ्ट में क्या आएगी राइट में आएगी वो तो सही कर देना ऐसे नहीं 3 इधर लगा दी माइनस 3 इधर लगा दी है ना ऐसे मत कर देना ओके अब 6 नहीं 5 ही बन रहे देखो माइनस तीन से लेफ्ट यानी ये वाली इसको मैं माइनस इन्फिनिटी कह सकता हूँ एंड इसको मैं प्लस इन्फिनिटी कह सकता हूँ ये नंबर लाइन होगी तो इस वाले एरिया में फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस एक्स प्लस 3 एग्जैक्टली इस जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन है एग्जैक्टली इस जगह पे माइनस 3 पे भी वही है माइनस एक्स प्लस 3 इसके बीच में यानी माइनस 3 और 3 के बीच में फंक्शन की डेफिनेशन है 2x माइनस 2x एग्जैक्टली 3 पे क्या है 6x प्लस 2 और 3 से बड़े नंबरों पे है अगेन 6x प्लस 2 तो देखो कितने डोमेन बन गए मतलब कितनी जगह डेफिनेशन चेंज हो रही है 1 2 3 4 5 अच्छा डोमेन क्या क्या होंगे पहला डोमेन होगा यहां से लेके और इंक्लूडेड माइनस 3 नहीं इंक्लूडेड क्यों अपन डोमेन तो माइनस 3 तक ही बनाएंगे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इस डोमेन में चेक करेंगे सी लेकर फिर माइनस 3 पे चेक करेंगे दूसरा डोमेन फिर 3 से माइनस 3 से 3 के बीच में चेक करेंगे तीसरा डोमेन और फिर चौथा डोमेन एग्जैक्टली 3 पे और फिर पांचवा डोमेन 3 से सारे बड़े नंबरों पे इस तरीके से चेक होगा अब इस चीज को मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूं डोमेन इक्वल टू वैसे तो कोई भी रियल नंबर है पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी रियल नंबर ले लेता है बट इस रियल नंबर को ब्रेक किया हमने अब बोलते जाओ माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यस यूनियन एग्जैक्टली माइनस 3 यूनियन माइनस 3 से 3 यूनियन एग्जैक्टली 3 और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी
हाउ मेनी डोमेन आर देयर, डी वन यूनियन, डी टू यूनियन, डी थ्री यूनियन, डी फोर यूनियन, डी फाइव. तो भैया डी वन, डी थ्री और डी फाइव तो मैं स्किप कर रहा हूं अभी, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग कि आप वही कॉपी पेस्ट वाला काम कर दोगे. सी बिलोंग्स, मतलब एल एच एल आर एच एल अलग अलग लेनी ही नहीं है, केवल लिमिट लिमिट लेनी है सीधे, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन चेंज होती नहीं है और वो इक्वली आएगी, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए. हाँ ठीक है, तो सी लेके करना है और वो इक्वली आएगी और लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा. क्यों? क्योंकि मुझे पता है फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा होता है. तो चेक किस में करनी है, डी टू में और डी फोर में. चलो आ जाओ सीधे डी टू एंड डी फोर की बात करते हैं अपन. एट डी टू, डी टू क्या है हमारा, डी टू तो है ये माइनस थ्री, दैट मीन्स मेरे को चेक करनी है x इक्वल टू माइनस थ्री. तो x इक्वल टू माइनस थ्री पे लिमिट LHL और RHL अलग अलग चेक होगी. LHL एट, यस बोलो, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री, नेगेटिव साइड ऑफ माइनस थ्री, ऐसे बोलेंगे नेगेटिव साइड ऑफ माइनस थ्री ऑफ fx. तो सबसे पहला काम इसको h में कन्वर्ट कर दें, माइनस थ्री एफ ऑफ माइनस, ये एफ लिखना मत भूल जाना, नहीं तो फिर आप अगले स्टेप में इसको जीरो पुट अप कर दोगे, अभी तो फंक्शन अप्लाई भी करना है. ठीक है, अब माइनस थ्री के लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन बोल दो मुझे, वो ऊपर से देख लेना आप, या फिर ये देखो ये नंबर साइड नंबर लाइन में अपन ने लिखी भी है. माइनस थ्री से लेफ्ट साइड में फंक्शन डेफिनेशन क्या है, माइनस एक्स प्लस थ्री. तो माइनस एक्स प्लस थ्री लगाना है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस थ्री माइनस एक्स. ठीक है, बड़े ध्यान से करना है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा और माइनस एक्स की जगह ये लग गया, फिर क्या था प्लस थ्री. ओके फाइन, तो एच की जगह जीरो पुट अप किया तो ये मिला जीरो माइनस थ्री, और माइनस और माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स. आर एच एल आ जाओ, आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस थ्री पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स of fx equal to limit x tends to 0 function of minus 3 plus h. अब minus 3 के right side में function की definition, minus 3 के right side में minus 2x, minus 2x. So I will write it as x tends to 0 minus 2 और x की जगह ये चीज, x की जगह ये चीज, right? h की वैल्यू जैसे 0 पुट अप करी तो also, ये भी 6 हो गई. तो अब आपको पता चल गया लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो, इसीलिए आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो also. f of minus 3, f of minus 3 exactly minus 3 पे भी डेफिनेशन यही है, exactly minus 3 पे भी डेफिनेशन minus x plus 3 ही है. तो minus x plus 3 में minus of x की जगह आप minus 3 plus 3 लगाएंगे तो इट इज ऑल्सो 6. तो हेयर LHL एट, या फिर सिंपली वही चीज लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स माइनस थ्री माइनस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट माइनस थ्री फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री, और वो आया क्या, वो भी लिख दो 6. सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, हाँ, इन डोमेन टू या एट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री. अब एक लास्ट डोमेन कौन सा रहेगा इसमें, जिसमें मुझे डाउट क्रिएट हो रहा है, डोमेन फोर है ना, इन डोमेन फोर. डोमेन फोर क्या है, थ्री या टू, थ्री. दो मिनट रुक जाओ, बस दो मिनट में फ्री करता हूं. एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, चलो बताओ LHL एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, क्योंकि इसी में तो वो डिसकंटिन्यूस है, मेन बात तो यही थी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, तो थ्री के नेगेटिव साइड में आप खुद चेक करके बताओ क्या फंक्शन डेफिनेशन है थ्री के नेगेटिव. इसलिए हर एक क्वेश्चन में नंबर लाइन बना देना, हर क्वेश्चन में नंबर लाइन बना देना, उससे फटाफट से पकड़ में आ जाएगी. थ्री के लेफ्ट में क्या है, और ये अच्छी भी लगेगी, नंबर लाइन बनाओगे तो एग्जामिनर भी खुश होगा. माइनस पहले तो आप एच में कन्वर्ट करोगे, एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ थ्री माइनस एच, क्या है माइनस टू एक्स. तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस टू और एक्स की जगह थ्री, थ्री माइनस एच. सो इट विल बी, जैसे जीरो लगाया, नहीं हाँ माइनस सिक्स, ठीक है, जैसे ही मैंने जीरो लगाया तो थ्री इंटू माइनस टू एच. चलो आर एच एल, आर एच एल एट एक्स इक्वल टू थ्री, अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू थ्री पॉजिटिव साइड एफ एक्स, पहले एच में कन्वर्ट कर दो आप इसको, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो थ्री प्लस एच.
ठीक है, उससे 6x plus 2 तो 3 के राइट साइड में है, फंक्शन की वैल्यू 6x plus 2. सो आई विल राइट इट एज लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 इनटू x की जगह 3 प्लस एच प्लस 2 प्लस 2, तो h की जैसे 0 पुट अप करी तो 6 3 18 प्लस 2 तो 20 आ रहा है. तो ये लो LHL ही RHL के इक्वल नहीं आ रही, तो हेयर हाँ हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स क्या था 3 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स. अब इसमें भी फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, इज नॉट इक्वल ही है वैसे भी, है ना, फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए अगर अपन पहले निकालते तो एक्स्ट्रा ही निकालते, है ना. सो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट at x equals to 3. So the function is discontinuous. The function is not continuous at x equals to 3. इसमें भी closing statement हो जाएगा. Hence, we can conclude that the function is continuous everywhere except at x equals to 3. अब मुझे बताओ कितने questions अपने आप कर सकते हो उसमें? 12th तक बताओ, 12th के अंदर अंदर बताओ. नहीं 12th भी क्यों, 13th में भी ऐसा क्या है खास? 14th से तो फिर क्या है, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है बस ये मान सकते हैं. तो आप एक बार 14 यहाँ तक बताओ, 13th क्वेश्चन तक बताओ कितने क्वेश्चंस कर सकते हो. देखो 13th 8th 9th, एक काम करेंगे, एक काम करते हैं, देखो 10th 11th 12th 13th तो बहुत आसान है ना, तो मैं 8th 9th रिकॉर्ड कर दूं भी आपके जाने के बाद, आप घर जाके चेक कर लेना और कल आप 13th क्वेश्चन तक खत्म करके आना. ठीक है, क्लियर है, चलो जाओ. ओके देखो क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मॉड्यूलस देख के बस आप घबरा जाओ, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है इससे, बट फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूं मैं इसको, है ना, इसको डिस्कस कर लेते हैं. और अब अपने पास टाइम है तो थोड़ा धीरे से करते हैं. fx इक्वल फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक है मॉडुलस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फॉर एक्स लेस देन फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरी डेफिनेशन है जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो. ये फंक्शन की डेफिनेशन है. अब मैंने क्या कहा था कि फंक्शन में जब भी मॉडुलस आ जाए तो पहले इस मॉडुलस को ब्रेक करके और स्पेसिफाइड या मोर क्लियर डेफिनेशन पे हमको जाना होता है. तो इससे मोर क्लियर डेफिनेशन के लिए अपने को मॉडुलस एक्स को खोलना पड़ेगा. अब मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है? मॉडुलस एक्स दो तरीके से खुलता है, ये माइनस एक्स की तरह खुलेगा और या फिर ये प्लस एक्स की तरह खुलेगा. माइनस एक्स की तरह कब खुलेगा? जब ये एक्स लेस देन जीरो हो, और प्लस एक्स की तरह कब खुलेगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, समझ में बात. अब ये क्या कह रहा है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स या तो लेस देन जीरो या x greater than 0. तो ये वाला फंक्शन दो तरीके से खुलेगा, मतलब इस x not equal to 0 को भी आपको दो तरीके से लिखना पड़ेगा, एक बार x greater than 0 की तरह लिखना पड़ेगा और एक बार x less than 0 की तरह लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से modulus x को खोलना पड़ेगा. और फिर लास्ट एक डेफिनेशन x equal to 0 की है ही सही. ठीक है, कुल मिलाकर ये दो तरीके से खोलना है, x less than 0, x greater than 0 और x equal to 0 के लिए तो उसने खुद ने क्लियर कट डेफिनेशन दे दी. चलो तो खोलते हैं, पहली चीज x less than 0, दूसरी चीज x greater than 0 और तीसरी चीज x equal to 0. भाई ये चीज तो सेम आएगी कॉपी पेस्ट होके, और ये चीज जो है दो तरीके से ब्रेक हो जाएगी. भाई x 0 नहीं है तो क्या है? या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा. चेक करते हैं 0 से छोटा में क्या होगा और 0 से बड़े में क्या होगा. तो 0 से जब छोटा होगा तो मॉडुलस x माइनस x की तरह खुलता है, डिवाइडेड बाई x. नीचे तो x ही है, देखो नीचे वाला x तो x ही रहेगा, उसको नहीं चेंज करना, केवल मॉडुलस x की जगह माइनस x रखना. ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 में तो ये भी x x की तरह खुलेगा और नीचे ऑलरेडी x है, तो ये x बाई x हो जाएगा, ये x बाई x हो जाएगा और यहाँ पे 0 है इसे. ठीक है, और मोर पर्टिकुलरली इसको खोल दें, मतलब सॉल्व कर दें सॉरी, तो आपको पता है माइनस x बाई x क्या होता है, माइनस 1 फॉर x लेस देन 0, 1 x बाई x 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 for x equal to 0. तो ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई इस फंक्शन की. इस फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता दिया है हमने कि x जब 0 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 है, x जब 0 से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, और x जब 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. क्या आप गैस कर पाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये किस तरह का फंक्शन है? इस फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है जो अपन ने क्लास 11th में भी सीखा था और इस साल भी क्लास
ट्वेल्थ में भी जब अपन रिलेशंस एंड फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा इलेबोरेट किया था हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस, तो उस टाइम भी ये फंक्शन आया था और हमने डिस्कस किया था इस फंक्शन को, तो याद करो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप सोचो, तीन ही वैल्यूज देता है ये, माइनस वन वन जीरो, दैट्स इट, जीरो से छोटा, एंड वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में माइनस वन, वाई एक्सिस के राइट साइड में वन, एग्जैक्टली जीरो पे ये जीरो एंड ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ कैसा बनता है इसका, क्या पता ग्राफ से याद आ जाए, जीरो पे तो जीरो, ठीक है, जीरो से बड़े पे, जीरो से बड़े पे ये वैल्यू देता है वन, मान लो लेटर से वन ही आए तो जीरो से बड़े पे ये वैल्यू देगा, ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, और जीरो से छोटे पे वैल्यू देता है माइनस वन, लेटर से माइनस वन ही आए इसमें ये वाला पॉइंट शामिल, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं, ये वाला पॉइंट शामिल नहीं, और ये पॉइंट शामिल। याद करो किस टाइप का फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और बच्चा भी बता दे कि इस पॉइंट पे सर ये ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, अगर ग्राफ बना के बताना हो तो शायद आप मुश्किल से एक मिनट में इसका आंसर दे दोगे कि सर ये है ना एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ये डिसकंटिन्यूअस है, यहां से उठ के यहां आना पड़ रहा है, यहां दो बार उठना पड़ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है ही सही, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि इससे थोड़ा देना है हमको आंसर, हमको आंसर देना है किससे, लिमिट्स रखकर, लिमिट्स वाले तरीके से, हमको लिमिट लिमिट वाली अप्रोच के थ्रू हमको इसका आंसर देना, ठीक है। अब देखो वही तीन डोमेन बन रही है यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, जीरो से लेफ्ट पे फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस वन, जीरो से राइट पे फंक्शन की डेफिनेशन है प्लस वन, और जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन है एग्जैक्टली जीरो। तो तीन डोमेन हो गई, तो मैं इसकी डोमेन बनाऊं तो सिग्नम फंक्शन की डोमेन होती है एनी रियल नंबर, सिग्नम फंक्शन की डोमेन होती है एनी रियल नंबर, उसको तोड़ दिया मैंने माइनस इनफिनिटी टू जीरो, यूनियन यूनियन एग्जैक्टली एट जीरो, यूनियन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगेन ये मान लो डी वन है, यूनियन ये है डी टू, यूनियन ये है डी थ्री, तो अगेन डी वन एंड डी थ्री पे तो सेम प्रोसेस होगा, सी लेके करना पड़ेगा, एनी सी इसका रिप्रेजेंटेटिव लेके इस पूरी डोमेन में चेक करना पड़ेगा, और इस पूरी डोमेन में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स एक एक को चेक नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे केवल डी टू को अभी चेक करने वाले हैं, और इसमें यह 100% क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, ग्राफ से पता चला, और कैसे, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या रही है माइनस वन, तो माइनस वन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन, मैंने क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस अंटिल एंड अनलेस डेफिनेशन ना चेंज हो, तो इस पूरे डोमेन में डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, इस पूरे डोमेन में डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, इधर भी ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है यानी इधर भी पॉलिनॉमियल हो गया, तो यहां तो ये डिसकंटिन्यूस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना, ठीक है। और तरीका क्या होगा, सी मान के करना है, वो आपको अपने आप करना है ना। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं डी टू पे, और डी टू पे वो डिसकंटिन्यूस है मुझे पता है, बट हाउ टू अप्रोच दैट या हाउ टू प्रूव दैट है ना, तो डोमेन टू, इन डोमेन टू, इन डोमेन टू, तो डोमेन टू क्या है मेरा एग्जैक्टली एक ही पॉइंट है जीरो, और आई कैन से एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आपको चेक करना है, दोनों में से कोई भी बात लिखो, तो अब जीरो के लेफ्ट राइट में डेफिनेशन चेंज है, तो LHL LHL एट एक्स इक्वल्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। अब चेक करो जीरो के नेगेटिव साइड पे, अच्छा पहले इसको मैं एच में कन्वर्ट कर लूं, तो एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जीरो से जस्ट लेफ्ट में, जीरो में से वो नंबर नेग्लिजिबल नंबर माइनस करना पड़ेगा, यानी जीरो माइनस एच करना पड़ेगा, जीरो माइनस एच क्या होता है माइनस एच होता है, उसको अगेन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ माइनस एच, ऑफ माइनस एच लिख लिया। अब डेफिनेशन देखो, जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस वन, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एच है वैसे भी, एच टेंडिंग टू जीरो माइनस वन, फंक्शन की डेफिनेशन ही माइनस वन, तो ये जो माइनस वन है इसमें कहीं भी एच नहीं आ रहा, तो एच पुट भी नहीं कर सकते, आंसर है माइनस वन, एल एच एल आ गई माइनस वन, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी शायद, पहली बात, हाँ बिल्कुल नहीं करेगी, देखो ये यहाँ जा रहा था, ये वहां जा रहा था, हमने देखा तो था, ग्राफ भी तो बनाया था, ये इधर अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, जब अप्रोच ही अलग अलग नंबर पे कर रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आर एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स जीरो पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट, चेंज करो उसको एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच, जीरो से नेग्लिजिबल नंबर जोड़ के मैं जीरो के राइट साइड पे आ सकता हूँ,
तो इट विल बी एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एच, जीरो प्लस एच, एच होता है. अब जीरो से राइट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन नंबर लाइन पे चेक कर लो, वन आ रही है, वन आ रही, तो वन इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ एच, इंडिपेंडेंट ऑफ एच है तो फिर वन ही आंसर आ जाएगा. तो चेक करो एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी. हेयर लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट extending towards zero positive of fx, so the limit does not exist, so the limit does not exist at x equals to zero, so we can say therefore the function is not continuous, the function is not continuous at x equals to zero. और फिर डी वन डी थ्री आप अपने आप सोल्व कर ही लोगे. डी वन डी थ्री सोल्व करने के बाद फाइनल कंक्लूजन आएगा. हाँ जी सर, वो अपने यस से पूछा था. एक सॉरी म्यूट हो गया था माइक. चलो देखो फिर से. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर एक जगह वो कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट डोमेन, एक्सेप्ट उसकी डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वो डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है भाई, ये फाइनल कंक्लूजन आ गया. जैसे एक मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फाइनल रिजल्ट निकल के आता है. तो ये मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ कि इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करो, तो हमने क्या करा, तीन डोमेन में डिवाइड किया. तो कंक्लूजन ये निकला कि डोमेन वन में ये कंटिन्यूअस है, डोमेन थ्री में कंटिन्यूअस है, बट डोमेन टू पे ये डिसकंटिन्यूअस है. तो हमने क्या लिख दिया, हर जगह कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो डिसकंटिन्यूअस है. तो अब डोमेन वन एंड डोमेन थ्री का आपको अपने आप करना है, वही सी लेके करने वाला तरीका, सी एनी रियल नंबर सी लेने वाला तरीका है, उससे आपको उसको सॉल्व करना है. करना जरूर है, अगर आप नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आई डू नॉट नो कि बाकी टीचर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं कैसे नहीं समझा रहे हैं. आई विल सजेस्ट कि यू जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न. एनसीईआरटी क्या करना चाह रही है, वो क्या सजेस्ट करी, वो क्या रेकमेंड करी कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसके हिसाब से चलो. किसी पर्टिकुलर टीचर की ना सुनो, ना मेरी सुनो, ना किसी और की सुनो. ठीक है, आप ये वाला तरीका आपने देख लिया जिसमें आपको तीन डोमेन बनाने, वो टीचर ऐसे भी कहेगा अरे अरे सीधे एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक कर लो क्या तीन डोमेन बनाते हो, वो वाला तरीका भी आपने देख लिया, आपने दोनों तरीके देख लिया. अब आप मैच करो कि एनसीईआरटी क्या रेकमेंड कर रही है, वो जो रेकमेंड करे उसका तरीका अपना लो. तो ये मेरे हिसाब से एज पर माई ओपिनियन आपको चेक पूरे रियल नंबर पे करना था, तो केवल एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आप चेक करो गलत है. अगर वो कहता है कि एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करो तब आप केवल इस पे चेक करते, उसने तो कहा कि डिस्कस करो इसकी कंटिन्यूटी को, डिस्कस करो तो इसकी पूरी डोमेन में डिस्कस होगी. इसकी पूरी डोमेन में जीरो ही थोड़ा आता है, जीरो से लेफ्ट एंड जीरो के राइट साइड वाले नंबर भी आते. तो सी लेके रियल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव लेके आपको करना पड़ेगा. ओके फाइन. अब जो एक क्वेश्चन और है मॉडुलस वाला, उस मॉडुलस वाले क्वेश्चन में देखो चेंजेस क्या है. पहले चेंजेस क्या है, चेंजेस एक तो ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है. हाँ तो थोड़ा सा चेंजेस है, चलो चेंजेस है तो करना पड़ेगा. एक्स को देखो, कोशिश करता हूं मैं उसी में चेंज कर पाऊंगा. एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, मॉडुलस एक्स सॉरी, देखता हूं मैं इसी में चेंज कर पाऊंगा तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा. एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स और फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो एंड सेकेंड है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे माइनस वन. ठीक है, अब वही मॉडुलस एक्स को खोलना है. मॉडुलस एक्स कैसे खुलेगा, दो तरीके से खुलेगा, या तो माइनस एक्स या एक्स माइनस एक्स के लिए. माइनस एक्स कब खुलेगा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू नहीं एक्स लेस देन जीरो हो, और एक्स कब खुलेगा, जब एक्स
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। अब जब जहां पे मॉडुलस एक्स वाली डेफिनेशन है वहां पे एक्स कैसा है चेक करो, तो वहां पे एक्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है दैट मींस ये वाली डेफिनेशन से ये खुलने वाला है, यानी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स मुझे रखना है भाई। मॉडुलस एक्स जहां, मॉडुलस एक्स इन दो तरीके से खुलता है, अब मॉडुलस एक्स जहां जिस डेफिनेशन में वहां पे एक्स कैसा है, वहां पे एक्स ऐसा है तो ऑब्वियसली इस डेफिनेशन से नहीं खुलेगा, इस डेफिनेशन से खुलेगा वो, माइनस एक्स करके खुलेगा वो। तो दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स नीचे आ जाएगा आपकी बार, ठीक है, x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स आ जाएगा नीचे, और तीन डेफिनेशन नहीं होगी, दो ही होंगी फॉर x लेस देन जीरो, और दूसरी डेफिनेशन तो सेम चली रही है माइनस वन फॉर, माइनस वन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो ये एक्स एज इट इज और ये मॉडुलस x माइनस एक्स की तरफ खुल गया, फर्दर इसको सॉल्व किया तो x डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा फॉर एक्स लेस देन जीरो, और माइनस वन ही होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप एक चीज नोटिस करो यहां, ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर जीरो पे ना डेफिनेशन चेंज हो रही है, जीरो पे डिसकंटिन्यूटी के चांसेस है। मैं कहूंगा डेफिनेशन चेंज हो ही नहीं रही। अरे भाई डेफिनेशन चेंज कहां हो रही है, एक्स जब जीरो से छोटा है तो भी माइनस वन है, x 0 या 0 से बड़ा है तो भी तो माइनस वन है, तो ओवरऑल x माइनस वन ही तो है फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर x के लिए इसकी वैल्यू माइनस वन है। अब देखो मैंने कहा कि, मैंने कहा कि x की वैल्यू 5 है, एक केस मैंने कहा कि x की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, मैंने कहा कि यार नहीं नहीं, मैंने कहा कि फंक्शन की वैल्यू लेटर से 5 रहेगी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं एक काम कर फंक्शन को तीन डोमेन में तोड़ दे, इधर भी 5 इधर भी 5 इधर भी 5, तो बात तो एक ही करी मैंने, हर जगह 5 की तो बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं, इसके डोमेन को मैं फर्दर, जैसे कई बार डोमेन को तोड़ते हैं तो मर्ज भी तो कर सकते हैं, जब डेफिनेशन कॉमन आ रही हो, जब डेफिनेशन कॉमन आ रही हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इक्वल टू माइनस वन, इक्वल टू माइनस वन फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो माइनस वन ही आनी है, कोई भी रियल नंबर ले लो भाई। देखो जीरो से ब्रेक हो रहा है, जीरो से लेफ्ट साइड पे भी माइनस वन, जीरो से राइट साइड पे भी माइनस वन, और जीरो पे भी माइनस वन, एक्स इक्वल टू जीरो पे माइनस वन, तो माइनस वन माइनस वन माइनस सारी डेफिनेशन माइनस वन, तो ओवरऑल मैंने ये डेफिनेशन लिख दी इस फंक्शन की, तो हेंस इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और सारे के सारे रियल नंबर के लिए चेक करना है तो फिर सी वाले तरीके से चेक करना होगा। अब आप सोचो, आप खुद, आप कह रहे थे कि सर सी वाला तरीका हमको यूज नहीं करना है, तो फिर एक तरीके से आप इसमें तो कुछ करोगे ही नहीं, फिर इसमें तो पॉइंट आपको डेफिनेशन चेंज करने वाला मिला ही नहीं, फिर अगर आप उस पैटर्न से चलो तो आपको तो इसके आगे कुछ करना ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही हो गया, बट करना तो है ना, फिर अब इसको सी वाले तरीके से करना है, होपफुली सबको पता होगा ना, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या, सी वाला तरीका। देखो एफ एक्स की वैल्यू, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई, fx की वैल्यू आ गई माइनस वन फॉर ऑल x, तो इसको कैसे करेंगे हम आगे, fx इक्वल टू माइनस वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो मैं क्या करूंगा, फॉर एनी रियल नंबर c, फॉर एनी रियल नंबर c बिलोंगिंग्स टू, c बिलोंग टू एनी, इसका जो भी डोमेन है, ठीक है, सबसे पहले लिमिटेबल वैल्यू ऑफ x टेंडिंग्स टुवर्ड्स c ऑफ fx, और LHL RHL अलग अलग निकालनी नहीं है क्योंकि डेफिनेशन चेंज होती नहीं है इसमें, तो f ऑफ x की जगह लिखना है माइनस वन, माइनस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ c, सो इट विल बी माइनस वन, और फंक्शन की वैल्यू एट c, तो f ऑफ c भी माइनस वन होगा क्योंकि fx है ही माइनस वन, तो x कुछ भी रखो माइनस वन है तो c रखो तो भी माइनस वन, तो हेयर हेयर लिमिटेबल वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टुवर्ड्स c ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ c इक्वल टू माइनस वन, सो द फंक्शन इज continuous, so the function is minus 1, yeah, no? So the function is continuous everywhere, everywhere in its domain, in its domain, uske do at continuous everywhere at all points in its domain, everywhere at all points in its domain, ठीक है ना भाई। जीरो से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है माइनस वन, मान लेता हूं ये पॉइंट शामिल नहीं है,
जीरो से राइट में भी फंक्शन की वैल्यू है माइनस वन और जीरो पे भी वैल्यू है माइनस वन, तो पहले वो पॉइंट शामिल नहीं था वो भी शामिल हो गया, तो पूरी कंटिन्यूस लाइन बन गई, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा भयानक लग रहा था, लेकिन जब इसकी डोमेन को थोड़ा सा फर्दर सब डिवाइड किया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे फर्दर सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ये नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, राइट, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार हमने ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें डोमेन डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइडेड डोमेन फिर मर्ज हो रहा है, डिवाइडेड डोमेन क्या हो रहा है, अगेन मर्ज होकर ऐसा फंक्शन बन जा रहा है, और उसके बाद फिर आगे का हम आप जानते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th एंड 13th तक आप ये चार क्वेश्चन आप एज होमवर्क अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, मॉडुलस भी नहीं है कहीं भी, ताकि आपको कंफ्यूजन आपके पास क्रिएट हो। और क्वेश्चन नंबर 14 से फिर अपन कल देखेंगे, ये क्वेश्चंस अपन कल ट्राई करेंगे, 13th तक आप एज होमवर्क करके आओ, एंड जो बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि कल फिर 14 से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, तो इन चारों का फिर भी वैसे तो इजी है, फिर भी अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए 10 11 12 से, सो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, आई हैव अ पर्सन, इसके लिए मेरे पास एक सेपरेट वीडियो अलग से रखी हुई है, एक एक क्वेश्चन की वीडियो है होने में, तो हमारे पास पुरानी क्लासेस में कभी डिस्कस हुई थी तो वो है हमारे पास, तो अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो आई विल सेंड द लिंक टू यू, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और जो बच्चे हमारे पास क्लास में आते हैं वो तो क्लास में आके पूछ ही सकते हैं। ओके, so thank you so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.